Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 1 of class 6 civics, and the chapter's name is Understanding Diversity. So if you want to study history and geography also, then the link of the playlist is in the description. So if you are new to the channel, please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Understanding Diversity. सो आपको अंडरस्टैंडिंग का मतलब तो पता है, समझना. डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, विभिन्नता. अब आप सोच रहे होंगे कि हम किसके डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के डिफरेंसेस की बात, कि हम लोगों में किस तरह के डिफरेंसेस हैं. एंड मोर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इंडियंस की, कि इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें किस किस तरह के डिफरेंसेस हैं. अच्छा तो एक बात बताओ कि आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्या सब एक ही तरह दिखते हैं, सब आपकी तरह दिखते हैं? नहीं ना, सब अलग अलग दिखते हैं. यहाँ तक भी कि हम ट्विंस की भी बात करें तो पहली बार देखने से ऐसा लगता है कि वो लोग सेम है, बट जैसे जैसे हम उनके साथ रहते हैं तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस ट्विंस में भी नज़र आते हैं, राइट? तो अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो हम सब अलग दिखते हैं, राइट? तो क्या सिर्फ एक अपीयरेंस ही डिफरेंस है हम लोगों के बीच में? क्या हम सिर्फ दिखते ही अलग हैं और कोई डिफरेंस नहीं है? अब आप में से कुछ लोग बोलोगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत लंबे हैं और काफ़ी सारे छोटे हैं, हम लोगों में हाइट का डिफरेंस है, कुछ लोग मोटे होते हैं, पतले होते हैं, ये सब डिफरेंसेस हैं. हाँ, ये भी डिफरेंसेस हैं, बट ये पेरेंट्स का पार्ट हो गए. अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि मेरी क्लास में बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, तो ये भी डिफरेंस हो गया. हाँ, ये भी डिफरेंस है, बट सिर्फ यही डिफरेंसेस नहीं है हम लोगों के बीच में. अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो हमारे अंदर और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं हम लोगों के बीच में, जैसे कि रीजनल डिफरेंसेस, कि कुछ लोग किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं और कुछ लोग दूसरे रीजन से, कोई जम्मू से बिलोंग करता है तो कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, राइट? अलग अलग. तो कल्चरल प्रैक्टिसेस के बेसिस पर, रिलीजियस बैकग्राउंड, हर एक जगह के अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं. और कोई हो सकता है आपका फ्रेंड एक रिलीजियस फॉलो करता हो, दूसरा फ्रेंड दूसरा रिलीजन फॉलो करता हो, राइट? तो ये सब डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे हो सकते हैं. तो इस तरह काफ़ी सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, एंड ये सभी डिफरेंसेस जो हैं हमारी लाइफ्स को एनरिच करते हैं, समृद्ध बनाते हैं, एंड और ज़्यादा फन बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं हमारी सभी की लाइफ्स को. एंड ये सभी तरह के डिफरेंट डिफरेंट लोग जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड अलग होता है, रिलीजियस बैकग्राउंड अलग होता है, तो ये सभी तरह के डिफरेंसेस जो हैं इंडिया को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, डाइवर्स बनाते हैं, इंडिया को यूनिक बनाते हैं. अब इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस पर गौर करेंगे, उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे. जैसे कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स, कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमारी लाइफ्स में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका हमारी लाइफ्स पर क्या इम्पैक्ट है. हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, कि इंडिया में इतने सारे डिफरेंसेस कैसे आए, इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री कैसे बना. आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेज आर अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, क्या सभी तरह के जो डिफरेंसेज हैं वो डाइवर्सिटी का पार्ट हैं. एंड कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी, कि क्या ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डाइवर्सिटी है, क्या वो एकता का पार्ट हो सकती है. तो इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और इनको और अच्छे से समझेंगे, राइट? नाउ लुक एट दीज ड्राइंग्स, ये जो ड्राइंग्स हैं ये आप ही के एज के बच्चों ने बनाई हैं. एंड यू कैन ईजिली नोटिस दैट दीज ड्राइंग्स, दीज ऑल थ्री ड्राइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट? एंड यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन ड्राइंग, योर ओन ह्यूमन फिगर इन दिस बॉक्स. आपकी बुक में होगा ये बॉक्स, तो आप अपना ह्यूमन फिगर इस बॉक्स में बना सकते हैं. एंड जब आप बना लोगे तो यू विल नोटिस दैट जो आपकी जो ड्राइंग है वो इन तीनों से अलग है, राइट? इन तीनों की जो ड्राइंग है वो एकदम अलग है, ये आपस में भी अलग है, एंड जो आप ड्राइंग बनाओगे उसकी भी अलग है. अब ऐसा क्यों हुआ, ये जितने भी ह्यूमन फिगर्स हमने बनाए, इन बच्चों ने बनाए, वो सब अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हम सबका एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल है, राइट? एवरीवन हैज़ इट्स ओन यूनिक ड्राइंग स्टाइल. हम लोग सिर्फ दिखते ही अलग नहीं है, हम में और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं. हम लोग सोचते अलग हैं, हमारी पसंद अलग है, राइट? हमारा ड्राइंग स्टाइल अलग है. एंड अगर हम और भी बेसिस की बात करें तो लैंग्वेज के बेसिस पर हम सभी लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं. लाइक अब जब आप आपस में बात करते हो तो हो सकता है आप सेम ही लैंग्वेज बोलते हो, हिंदी या इंग्लिश, बट जब आप अपने अपने घरों में होते हो तो सभी अपनी मातृभाषा बोलते हैं, राइट? अपनी रीजनल भाषा बोलते हैं, तो उस तरह डिफरेंसेस हो सकते हैं. अगेन कल्चरल बैकग्राउंड्स के बेसिस पर डिफरेंट हो सकते हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड पर डिफरेंस हो सकते हैं, तो ये सभी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं. सो हेयर एन एक्टिविटी इज गिवन,
And you can do this activity with some of your friends. You have to answer these questions like, when I go out, I like wearing, what do you like wearing when you go out, right? You may like wearing frog, skirt, and something else, right? And again, at home, I speak in, what language do you speak with your family? My favorite sport is, and I like reading books. So you can answer these questions with your friends. And after answering these questions, check if your answer is same as of your friend. And by comparing this, you can see like in what basis you and your friends are similar and in what ways you and your friends are different. तो इस तरह आपको पता चल सकता है कि आप और आपके फ्रेंड में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है, दोनों को पसंद है, और क्या क्या चीज़ें आप में डिफरेंट हैं. तो इस तरह से आप जो डाइवर्सिटी के बारे में आप और ज़्यादा जान सकते हो, इसका इसेंस क्या है. सो नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल रीड अबाउट टू फ्रेंड्स, समीर 1 एंड समीर 2, राइट?